कोई भी तानाशाह शासक कभी भी न प्रजा की आवाज दबा सकता, न प्रजा की आवाज बुलंद करने वाले व्यक्ति की। हां, षड्यंत्र अवश्य किया जाता है, इतिहास के समय से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। परंतु जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने आवाज दबाने का एक घिनौना षड्यंत्र और दमन चक्र चालू कर रखा है, ये ना केवल निंदनीय है, ना केवल ये निंदा के योग्य है, परंतु प्रजातंत्र का गला घोटने का शायद ही ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हो। पर सरकार ये समझ ले कि वो सत्ता के अहंकार में कितना भी प्रताड़ित करे विपक्ष के नेताओं को, हम जनता की आवाज हैं और सदैव बने रहेंगे।